बिहार में कोरोना का कहर जारी है। एक तरफ जहां सरकारी आंकड़ों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को धीरे धीरे अब घटता हुआ बताया जा रहा है, वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़ा किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी पटना सहित बिहार में अब कोरोना के मामले घटने लगे हैं। लॉकडाउन के बीच 5 दिनों बाद रविवार को नए केसों की संख्या 12,000 के नीचे आई। वहीं 13,364 लोगों ने इस बीमारी पर जीत हासिल की। राजधानी पटना में रविवार को कुल 26 मरीजों की कोरोना से मौत हुई, जबकि पूरे बिहार में 67 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन जाप नेता पप्पू यादव ने सरकारी आंकड़ों की सारी पोल खोल कर रख दी। पप्पू यादव कोरोना काल में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार हमलावर हैं। वो आए दिन राजधानी पटना के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने पहुँच जाते हैं। अब पप्पू यादव पटना के शमशान घाटों पर भी पहुँचे और बांस घाट पर विद्युत शवदाह में जलने वाले शवों की गिनती भी की। इस बीच ट्विटर पर एक चर्चे डॉक्टर के कोरोना आंकड़े के ट्वीट पर पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि मैंने खुद पटना के बांस घाट और दीघा घाट में शव की गिनती किया। प्रतिदिन 70 से अधिक लाश जलाया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि ऐसे में कम से कम 3,000 शमशान पूरे देश में होंगे। बता दें कि बिहार में कोरोना आंकड़े को लेकर आज राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।